Hi, this is Gautami Kapoor. You're watching me on Bollywood Spy. हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि दिव्य सोलकम. और आज मेरे साथ मौजूद है प्यारी प्यारी सी गौतमी कपूर. थैंक यू. यू नो, सबसे पहले तो अगेन आपकी जो आपने काम किया है, वी ऑल हैव वॉच दैट एंड थैंक यू फॉर डूइंग सच ग्रेट वर्क. थैंक यू, मेक्स मी फील वेरी ओल्ड. एनीवे, नो नो, ओल्ड कभी नहीं होता. ये बच्चन साहब ने कहा था कि काम हमेशा, काम इज ऑलवेज फ्रेश, यू नो, मूवीज एंड एवरीथिंग दैट्स ऑलवेज देयर, दैट्स गोइंग टू बी देव साहब की फिल्म है. आज भी आप देखो, दे आर सो एवरग्रीन. तो इस सीरीज की, वेब सीरीज की बात करेंगे, तो फर्स्ट पेटेंट क्वेश्चन, जस्ट काइंडली वॉक अस थ्रू योर कैरेक्टर. सो स्पेशल ऑप्स इज अ वेरी वेरी फास्ट पेस्ड थ्रिलर. इट्स अ स्पाई थ्रिलर और ये काफ़ी सारी सत्य घटनाओं पर आधारित है. हालांकि हम किसी घटना पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं. ये घटनाएं हुई ज़रूर हैं, बट हम लोगों ने कोई टैग नहीं लगाया है कि इट्स रियल और एनीथिंग. इट्स स्टिल फिक्शनल, बट when you watch the show you'll feel like, oh my god, ye bhi hua tha, oh yeah, ye bhi hua tha. Okay. So it's just fictionalized and it's a very very fast paced thriller. Matlab aap blink karoge aur bologe are acha ye bhi hua, oh ye bhi hua. So it's really fast. To aapka character, are you also doing action in this? I would love to. Yeah, I would love yeah, to. You love to see that? Yeah, I would love to. No, I am in the home front. Okay. Aur main KK Menon ki wife ka kirdar nibha rahi hu. और हालांकि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल रह चुकी हैं, बट अभी फ़िलहाल वो घर संभाल रही है. और हमारी एक टीनेज बेटी है जो 16 साल की है. और फादर और डॉटर के बीच में काफ़ी सारा फ्रिक्शन चल रहा है. सीरीज़ वहाँ से शुरू होती है. और नहीं, मेरे नहीं कर सकते क्योंकि फिर डॉटर और फादर के बीच फ्रिक्शन चल रहा है. चलो, और मेरा जो किरदार है वो दोनों को संभाल रहा है. और इट्स फन. और घर की मैं बॉस हूँ. हालांकि फील्ड में के बॉस है, पर घर की मैं बॉस हूँ. यू नो, तो कितना डिफरेंस लगता है टेलीविजन, यू डन सो मेनी सीरीज, और यहाँ पे कितना डिफरेंस लगता है? डिफरेंस ये है कि ये 8 एपिसोड की सीरीज हैं, या वेब में मतलब 8-10 एपिसोड्स ही होते हैं. तो सब कुछ बहुत कंसाइज होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है, और बहुत टू द पॉइंट होता है. कुछ अननेसेसरी होता नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं है. मतलब उतने सारे 8 एपिसोड्स में आपको पूरी कहानी ख़त्म करनी है, स्टार्ट टू फिनिश. सो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस. कुछ भी ड्रैग कर ही नहीं सकते. तो अगर एक एपिसोड में आपको वो कहानी या वो सीक्वेंस ख़त्म करना है, तो आपको ख़त्म ही करना है. ऐसा नहीं कि शो में 15 दिन के लिए एक शादी चल रही है तो 20 दिन के लिए चल ही रही है, या कुछ किसी का एक्सीडेंट हो तो 4 दिन वो एक्सीडेंट खिंचता चला जा रहा है. वी डोंट हैव टाइम टू डू दैट. सो आई थिंक फॉर एक्टर्स, इवन फॉर द व्यूअर्स, इट्स सुपर, बिकॉज यू नो देर इज़ अ डेफिनेट स्टार्ट, मिड पॉइंट एंड एन एंड, एंड व्यूअर्स आर नॉट लेफ्ट ऑल द टाइम. एंड यू नो, मैं सच बोलूँ, किसी के पास आज पेशेंस बचा ही नहीं. पेशेंस हैज बिकम सो शॉर्ट लिव्ड एंड टाइम इज ऑन सच प्रीमियम दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट एंड कीप दैट इन माइंड इवन अबाउट योर व्यूअर्स. सो इफ यू गिव देम एवरीथिंग व्हिच इज डेफिनेट, आई थिंक यू हैव अ विन ऑन हैंड्स. तो ये आपको लगता है कि अभी भी टेलीविजन आर स्टिल स्टक इन दैट ओल्ड टाइम्स, एंड कहीं पे ऑफकोर्स देर आर सीरीज सीरियल जो चल रही है, काफ़ी चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है इनफैक्ट, बट कहीं पे दे नीड टू ग्रो एंड चेंज एज पर टाइम्स. I won't say anything negative about the medium which has given me so much. I'm talking of changing times. The change will happen, but because television in our country is so large and the medium is so widely watched, especially in, you know, in the interiors, it's massive, you know, that it will take time. Nothing happens overnight. So the change started, I think, 5 years ago, but it's at such a slow pace. Yeah. And now suddenly web has caught on. So the transition, like people have just jumped from television to web suddenly. That like the younger generation, like my children, wo TV dekhte hi nahi, wo sirf web dekh rahe hain. Right. And that is the future forward. Unless television really now revamps and makes it quick. I hope it doesn't die its natural death. You know, I hope it continues, because it's wonderful to have a medium, you know, and have so many different mediums. But I hope it has to be really quick. They can't keep wasting time now. You know, जो आपने शुरुआत की थी, तो उस वक्त भी अगर आपकी सीरियल्स की बात करेंगे, you always played a very positive या strong lady का character. Your character was not the typical जो भले सास बहू type की भी कहानियाँ हो, but it always had very empowering character. तो कितना tough रहा होगा आपके लिए to select those ones when you know जबकि बहुत चुनिंदा बन रही थी ऐसी सीरियल्स? No, actually मैं बहुत lucky रही हूँ कि जिनके साथ मैंने काम किया उन्होंने
मेरे बारे में सोचा और मेरे लिए लिखा. सो आई थिंक आई रियली कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी. सो इट वॉज नॉट दैट आई हैड टू चूज द वर्क केम टू मी एंड वेरी वेरी गुड वर्क केम टू मी. सो आई एम रियली लकी एंड आई फील ब्लेस्ड. बट इन द लास्ट टू ईयर्स आई मस्ट टेल यू दैट दो आई हैव बीन ऑफर्ड अ लॉट ऑफ टी वी, I had to be really selective and I had to really control my urge to work because I've always done things which are different, you know, something which is, which people can talk about even 2 years later, you know, that's been always my USP and I want to maintain that. So it was very tough to say no to some, you know, big shows, big roles, but somehow I just said no, you know, I need to just wait and be. So yeah, that's what I've done. So I've just been lucky actually that. बट आपके फैंस लकी नहीं है, उनकी एक यू नो कंप्लेन है दैट आपने बहुत ज़्यादा टीवी किया और फिल्में बहुत कम की है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, फिल्में मुझे जितनी ऑफर हुई मैंने वो सारी कर ली. बट अगर और मुझे कोई फिल्में ऑफर करेगा मैं जरूर करूंगी. हार्ड टू बिलीव कि इतने ऑफर नहीं हो सकते. समबडी हु हैज बीन नंबर वन ऑन टीवी एंड थैंक यू, दैट्स यू आर वेरी काइंड टू यूज दोज वर्ड्स. बट नो रियली नॉट, आई एम नॉट सेइंग, आई डोंट वांट टू साउंड क्लीशे बाय सेइंग ओ यू नो आई roles were offered to me but I didn't take them. No, honestly, very good roles or very good projects didn't come in my it didn't come in my kitty. And I think at the time when films were booming, I think I was too busy in my family life and I had two very very young children, so I consciously decided to, you know, slow down on the work because Ram also was so busy. Yeah. So I consciously decided, like we consciously decided to, you know, for one person to take a slightly back seat, and I opted for that. And I think now I decided that this year I'm going to get back to work. Wow. So after the Hotstar specials, after special ops, I'm doing something else, but I'm just waiting for the announcement. You know, आपने बच्चों की बात की कि जो Netflix पे है, जो Amazon पे, एक और problem OTT platform का है जो अक्सर complaints है, that is nudity is lot out there. जिस पे कोई सेंसरिंग नहीं है, तो आर यू स्केयर्ड एज अ पेरेंट, आर यू स्केयर्ड कि कहीं पे रॉन्ग सीरीज ना देख ले या समथिंग? एब्सोल्युटली आई एम स्केयर्ड, बट यू नो लेट मी टेल यू देयर इज अ पेरेंटल कंट्रोल ऑन ऑल द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड सबके रास्ते हैं रास्ते, बट आई थिंक इफ यू आर आई थिंक इफ यू कीप टॉकिंग टू योर चिल्ड्रन एंड यू मेक देम अवेयर, आई थिंक किड्स रेसिप्रोकेट. यू नो इफ यू आर रियली हार्श एंड से ओ डोंट डू दिस एंड डोंट डू दैट एंड you know, all kids are going to do something at some point in time. Correct. It's just that the age has to be correct so that they're mature enough to understand what they're watching. I think my daughter is now just almost 14. She's, I think, is very sensible and we have left the discretion to her. So even now she asks us, oh my God, can I watch this show? Do you think Achha, I can? Nice. So we do consult and say, oh no, not this. The language is too abusive or there's too much sex in it. There's too much violence. So not for you right now, maybe. So I think with dialogue and conversation, nothing is impossible. That's right. You know, yeah. Ram's Ghar also has been popular on the OTT platform. So kahin pe kuch in future mein both of you on OTT platform. We would love it. We would love it if somebody writes for us. Getting that entire, recreating the love magic again. We would love it. We would love it. It'll be actually fun to do something like that after so many years. Because as people, as a couple, we've also grown so much, gone through so much life. You know, 20 years is a long time. So it'll be actually quite challenging to work with him. Yeah. Okay, we wish for that. Thank all the you. Best. Thank you so much. Yeah. Please do watch the show. Definitely. Yeah, definitely. We got something for you. Have a look. What is this? Just have a look. It's a portable speaker. Oh, you can use it outside. So sweet. Gym and everywhere. Thank you. Yeah. Wow. And I'm such a gym freak. Yeah. I will really use it. Thank you so much. You. Thank you. Pleasure.